एक SMS बेस्ड स्मार्ट बिन है। जैसे कि हम अपने शहर में देखते हैं कि जब डस्टबिन से कचरा भर जाता है तो वह इधर उधर फैल जाता है और नगर निगम और पालिका वाले कभी नहीं आते और कचरा वहीं का वहीं रह जाता है। सो इससे बचने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो कचरे के हाइट को स्कैन करके इस LCD स्क्रीन पर दिखाता है, जो 16:2 अल्फा न्यूमेरिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन है। इसमें एक GSM मॉडम और एक सिम है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन पर रहता है पर वो थोड़ा छोटा रहता है। ये GSM मॉडम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से कनेक्टेड है। प्रोग्रामिंग के द्वारा इस डस्टबिन में एक लिमिट सेट करा गया है। जब कचरा उस लिमिट के ऊपर चल जाता है तो GSM मॉडम के द्वारा एक SMS सेंड करता है जो बताता है कि कचरा भी भर गया है, आके क्लीन करे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी देखिए एक ट्रैश अलर्ट एंड SMS सेंड करके एक मैसेज आ रहा है। अभी देखेंगे आप मोबाइल पे एक SMS आएगा, ये देखिए एक SMS आ चुका है। इस SMS से ये SMS नगर पालिका और म्यूनसिपल के पास जाएगा ताकि वो अपने कर्मचारी भेजकर इस यह कूड़े को साफ करके इस जगह को साफ और सुथरा रखेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सुमित छम, मैं असम से हूँ। मेरा मॉडल का नाम है सेफ ट्रांसपोर्टेशन रोड फॉर इंडियन आर्मी, भारतीय सेनाओं के सुरक्षित परिवहन मार्ग। आप समझ लिया है, आर्मी बेस है और आर्मी बेस में जाने वाला दरवाजा ये है। अगर कोई आतंकवादी गाड़ी में बॉम्ब लेकर स्पीड से जब ये गेट क्रॉस करना चाहता है तब यहाँ पे रुकी हुई 2-3-4 गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे। तो हमारी इस मॉडल की कंसेप्ट से हम उसको रोक सकेंगे। ओके सर, जब एक कार अंदर जाएंगे तब रोड अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। परमिशन लिए बिना अंदर जाएंगे तो रोड अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। अगर इस पे रुकी हुई गार्ड से परमिशन ली हो तो गार्ड ने स्विच ऑफ कर देंगे और वो जा सकेंगे। तो मेरा नाम वेद कुमार सिंह सर्वे, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परवारा अभनपुर ब्लॉक से हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है क्वाडकॉप्टर पे, तो क्वाडकॉप्टर में होता क्या, इसको हमने स्पेशली डिजास्टर के लिए बनाया। तो इसका कैपेसिटी मैक्सिमम अभी 7 किलो का है, लेकिन इसमें हम और भी ज़्यादा इसका कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं। मतलब 3 आदमी बैठ के इसमें आराम से उड़ सकता है अगर हम इसको वैसे बनाए तो। तो इसमें जो उड़ने का जो बेसिक प्रिंसिपल है, तो इसमें हमने जो यूज़ किया है उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज प्रोपेलर। तो ये हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज है और ये हमारा क्लॉकवाइज है। अब ये हमने अलग अलग यूज़ इसीलिए किया क्योंकि ये हवा में कोई भी डायरेक्शन से तो उड़ सकता है, हम इस डायरेक्शन से उड़ा सकते हैं, लेकिन इस ड्रोन को हमें जो है एक ही डायरेक्शन में नहीं उड़ाना है, हमें उड़ा के इसे आगे पीछे लेफ्ट राइट दोनों साइड कराना है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर करता है। अगर ये हाई रोटेट करेगा तो ये हवे में जो है लो रोटेट करेगा, लो रोटेट करने से ये थोड़ा झुक जाएगा, फोर्स इधर ज़्यादा जनरेट कर। जैसा मैंने बताया आप अभी, ये जैसे हाई रोटेट करता है तो ये हमारा लो रोटेट करेगा, लो रोटेट करने से जो है आगे की तरफ मूव करेगा क्योंकि फोर्स इधर ज़्यादा लगा। अब यही है इसके डायरेक्शन चेंज करने का बेसिक प्रिंसिपल। अगर ये दोनों हाई रोटेट करता है तो ये इजली जो है लो रोटेट करेगा, तो इससे राइट की ओर मूव करेगा। तो ये तो हुआ हमारा उड़ने का प्रोसेस। अब हम देखते हैं इसमें पूरा न्यूटन्स लॉ जो यूज़ हुआ है। तो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है तीन प्रकार के पढ़े हैं, गति के नियम, उसमें है जड़त्व का नियम और संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा है और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसमें होता क्या, एक्शन एंड रिएक्शन ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये जो प्रोपेलर जब रोटेट करता है तो एक ही जगह में घूमता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि ये एयर को जनरेट करता है अपने जगह पे, हवा को फाड़ के नया एयर जनरेट करता है जिससे ऊपर की ओर बल लगाता है, नीचे की ओर प्रेशर डालता है लेकिन जाता ऊपर की ओर है। तो इसे बोलते हैं हम पलायन वेग।
मेरे मॉडल का नाम ऑटोमेटिक वेट गार्बेज डस्टबिन है। इसमें हम वेट गार्बेज डालेंगे। यहाँ पे अंदर पे एक सीव लगी है छन्नी, जिससे इसमें जितना भी लिक्विड हो स्ट्रेन हो जाएगा, उसे हम स्टेप की मदद से निकाल करके एग्रीकल्चर फील्ड्स पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जैसे ये भराएगा तो ये बेल रिंग करेगी कि इसे खाली करना है। और इसमें जितना भी वेट गार्बेज होगा उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग मेथड से मैन्योर खाद बनाकर एग्रीकल्चर फील्ड्स पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसे हम कुछ समय के लिए स्टोर करें अबाउट 55 डेज, तो उसमें कुछ गैसेस बनेगी, मेनली मीथेन बनेगी जो फ्लेमेबल गैस है। उसे हम स्टोर कर सिलेंडर्स में भरकर स्टोव पर यूज़ कर सकते हैं, रॉकेट्स पे यूज़ कर सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है और हीट भी प्रोवाइड होती है।